सन्नी देओल भी कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में है, नहीं तो उसे जैसे वहाँ से भारी मतों से जिता के उसे विजय बना के भेजा था, तो उसे इस किसानों के संगठन में आना चाहिए था और पूरा योगदान देना चाहिए था, किसानों के साथ उसे खड़े होना चाहिए था। सन्नी देओल तो बस जुमले छोड़ गए इनकी तरह, उन्होंने कहा ये कातिया मजदूर का हाथ, क्या मजदूर, यहाँ मजदूर और किसान है अपने हक के लिए बैठे हैं, रात दिन यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ आके वो रियल एक्टिंग करे ना, झूठी और जुमली एक्टिंग है, वो झूठा है, वो कैमरे के सामने झूठ बोल दिया भाग गए। किसान की बात आई तो वो आपके समर्थन में नहीं आए? बोले ना वो नेता ना अभिनेता, तो पागल आदमी है मेरे यार, उसकी बात कर रहा देखिए, जिसका पागल हो जो पढ़ा लिखा ना हो, ना नेता ना अभिनेता, ऊना है कुछ भी, वो तो पागल आदमी है। पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ देते हैं। अरे सुन तो ले मेरी बात, हम उसकी ना मानने और इतने तेज से एक ही बात कह रहे हैं बेटे, या सुन ले मेरी साफ शब्दों की, इतना तीनों कानून ये वापिस ना लेगा, इतने किसान मानने वाले नहीं है। क्या सनी देओल का बापू भी आ जाओ, किसान बापू भी आ जाओ, तो कौन है धर्मेंद्र सर्वेंद्र भी आ जाओ, लगे क्या है, क्या बोले सनी देओल हमारा लगे क्या, हम तो किसान है, उसका काम है नाचने गाने का, नेता गिर का, हम तो उसका क्या संबंध, वो भली बातें कर रहे हैं अपना नाचने का, वो अपना नाच का, वो तो नचनिया नचनिया, लेकिन जब वो नेता भी है तो नेता का तो आपका उसे भी सहूल सिखा देंगे, आपका देख लिया वो आ जाओ, तो हम आपका भी दे देंगे उसे सहूल, आपका सिखा देगा उसे सहूल। इस किसान की रबड़ की मोहर से आज बने एमपी, इस किसान की रबड़ की मोहर ना होती तो ये एमपी ना बन पाते। कौन बनाया किसान ही नहीं, आने वाले इलेक्शन में माय डियर फ्रेंड आपको सब पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, कौन नाचने वाला है, कौन गाने वाला है, कौन बाली काट रहा है, कौन 2.5 किलो हाथ दिखा रहा है, कौन पौने दो आंख वाला बाबा है, सबको पता लग जाएगा अपनी औकात सब, क्योंकि ये किसान से टकराए हैं। जो है कांग्रेस का 65 साल का हिसाब मांग रही है, आप मोदी जी का हिसाब मांग रहे हैं? नहीं, मोदी जी के बाबा का देश है, मोदी जी से तो मांगेंगे हिसाब। अरे कांग्रेस ने क्या बेचा और तू क्या बेच रहा है, वो जो काम 65 सालों में नहीं हुआ, इतनी बढ़िया सरकार है 5 साल में कर दिया, रेल इसने बेच दी, एयरपोर्ट इसने बेच दिया, बिजली इसने बेच दी, मैं धरने में गया था बिजली वालों के, सारा बिजली विभाग धरने पर प्राइवेट कर रहा, अरे जब प्राइवेट कर रहा तो प्रधानमंत्री सीट को भी कर दे, एक को बना दे राष्ट्रपति, एक को बना दे प्रधानमंत्री, तेरी जरूरत क्या है, अरे शर्म कर लो सरकार हो, शर्म कर लो। आत्मनिर्भर का तो प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर पहले वो तो अंडानी अंबानी के पैरों पर है, बात तो वहाँ लिखी जाओ उनके घर पर, पहले तो आत्मनिर्भर हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, हमें तो क्या आ करेगा, थोड़े टाइम में गलती मान ले अपना कानून उल्टा ले जा, किसान अपने घर जाएगा और नहीं इलाज करेगा, गोला लाठी देगा दिल्ली आके, गोला लाठी क्या नाथ फोड़ेगा, तम भी वहीं रही हो, 2 मिनट में लग जा, आदमी हिलता ना, ऐसी पड़ा रहा है, जनता का देश है, चौकीदार ही तो बताते हैं अपने को, क्यों नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। चाय का कानून थोड़ी इसकी दुकान पर चलेगा, किसान का कानून है, खेत का कानून है, फसल का कानून है, अरे चाय का बना ले हमारी माँ से कितनी पत्ती गेर ले, दूध गेरे मत गेरे, चाय का तो ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है, आप चाय कर रहे हैं, मेरे पास और किसान तो पीएचडी करके भी खेती कर रहा बेचारा, तेरे के लिए अगर किसान के बिल को साइड रखते हैं तो और काम किए उसकी तो प्रशंसा कीजिएगा ना। हाँ प्रशंसा, अच्छा बहुत बढ़िया काम करा, देश बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, बिजली बेच दी, हैं और भी बेच देगा, बेच बाच के निकल लेगा एयरपोर्ट पे झोला लेके, भाई बहनों हम तो फकीर है, क्या कर लोगे, झोला लेके निकल लेंगे, कि तेरे बाबा का राज है, तेरे बाबा का देश है, एयरपोर्ट पे चेक करेंगे छीन के झोला, सुन झोला दिखा क्या क्या ले रहा, कितना ले रहा, किसको बेचा, कितने में बेचा, कहाँ के लेके जा रहा, ऐसे लेके निकल लेंगे, क्यों प्रधानमंत्री भागने की तैयारी में, संकेत उन्हीं का तो है, संकेत हमारा नहीं है, ये हमारा डाउट नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने खुद संकेत दिया कि भाइयों बहनों हम तो फकीर हैं, क्या कर लोगे, झोला लेके निकल लेंगे, निकल लेने का मतलब भागना ही हो, निकल लेने का मतलब भागना ही हो, और इनके जुबान की कोई क्या यकीन करे। कल मैंने यूट्यूब खोला परसों, झूठ पकड़ने की दुकान है यूट्यूब, जिसने बनाया धन्यवाद, मोदी जी का भाषण सुना, उसमें लिख रहा था कि भाइयों बहनों भाजपा की सरकार बनने के पहली मीटिंग में पहले दिन किसान का कर्जा माफ, अभी हुई ना मीटिंग मोदी जी, अभी टाइम ना मिला, मीटिंग कर ले, माफ कर दे, ये अलुल्ले जलुल्ले छोड़ना बंद कर दे, इनके पिल्ले कुछ बोलते हैं कुछ बोलते हैं, इन्होंने कहा 15-15 लाख खाते में आएंगे, एक टीवी एंकर ने पूछा अमित शाह से, बोला तो जुमला, अरे जुमला, जुमले से देश चला रहे हो, अरे मान जाओ, बेशर्मो शर्म करो। मोदी जी हम आपसे निवेदन करके पूछते हैं, आप कहते हो मैंने चाय बेची, हमारा क्या दोष है, हमने बिकवाई क्या,
हनु मेरे बाल बच्चे छुट गए, हमने छुड़वाए क्या? हमारे छुड़वाएगा, हम सब चाय बिकवाएगा। मेरे 35 साल भीख मांगी तो फिर देश चलाने का ज्ञान कब लिया? क्यों एक बात पर तो रहो, कभी कहते हैं हम चाय वाले हैं, ओके मान ली, फावड़ा लेकर फोटो खिंचवाते हैं हम, वो हैं किसान है। फिर कहते हैं आर्मी में जाकर दिवाली पर मैं फौज में आना चाहता था, अस्पताल में जाते मैं नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। अरे करना क्या चाहते थे देश को ये तो बता दो। एक मैंने वो देखा आज ही देखी यूट्यूब कि मैं पढ़ा वड़ा नहीं हूँ, मैं गांव की क्लास में पढ़ा था, अब कह रहे मैं एमए पास हूँ। देश तो डिजिटल इंडिया बन गया। हाँ बन गया ना, डिजिटल इंडिया बन गया। पहले जावे तमंचा लगा के लूट करनी पड़ी, आप कर सो ही है वहीं बैठ कर कंप्यूटर पे काम कर रहा, जीव काट रहा, जो कंप्यूटर से काट रहा, डिजिटल इंडिया बन तो गया। अरे डिजिटल इंडिया तो बना दिया कि मैं लूटने जाऊंगा नहीं, यहीं बैठे बैठे लूटूंगा। उसका उसके तर्कों का सबका अर्थ है। उसने कहा था मैं चौकीदार हूँ, मुझे झूठ बोल रहा, सच्चा पाया दोनों का चौकीदार है, अपने वालों का उनका नाम अब खुला। किसका चौकीदार है? अंडा दानी और अंबानी का, देश की जनता के चौकीदार है आप? नहीं कर तो उनकी रहा, कह के बनाता ही इनकी, हम बहम में मारा लिगड़ा पड़ोसी का। अरे बात ये है, इसकी हर बात में दम है लौंडे की। बात कहता गोल गोल, अर्थ समझने वाला समझ ले, वो समझा रेल लिगड़ जाने के बाद आवे समझ में भाई कि दुर्भाग्य में लेकर के क्या क्या कह रहा था। एक पिक्चर थी कि मैं उठ जाऊंगा दहेज मांग रहा, मैं उठ जाऊंगा मैं भाग जाऊंगा लेके दहेज, भागना पड़ेगा इन्हें भागना। और 84 करोड़ के जहाज में तो हम ना जान दे, हम लठ लेगा वहीं खड़े रहेंगे, उड़ेगा तो वहीं से ऊपर से, कहाँ से उड़ा लेगा ना, उड़े ना कहाँ जाएगा, ऐसे कैसे इतनी आसानी से नाश करके भाग जान देंगे। हमारे घर में बम रख के भाग रहा, फटने ना दे, तू भी यहीं रुक, पता चलेगा असली है कि नकली। अरे अमरीश पुरी मत बनो नायक पिक्चर के, खुद ही बम लगाते हो और खुद ही निकालते हो, शर्म कर लो, जांच पड़ गई तुम्हारी, तुमने करा क्या और है क्या। एक बार बताओ यहाँ आदमी इकट्ठा होगा रैली करेगा तो करोना 144, और इनका फुप्पा नाच रहा था वहाँ बिहार में, 6 महीने बाद करा लेते थे कौन है चुनाव, मगर क्या फुप्पा डांस कर रहा था वहाँ बिहार में, वहाँ चुनाव 6 महीने बाद करा लेते, कौन सा बिहार भगी जा रही है, अब बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में रेल जहाज में बैठे बंगाल, जहाज में बैठे बंगाल। अरे क्या वहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ कोरोना है। ये ईरानी भी कह रहे हैं कि आप बहकावे में, इसमें ईरानी की सुन लो, इमरती रानी इसकी इमरती, हाँ हाँ इमरती रानी, इमरती रानी की भी सुन लो, वो डांस करती थी दिल्ली की सड़कों पर, टीवी कलाकार है ना, है तो नाचने वाली वो भी, अभी तो मंत्री है। अरे पहले तो वही थी, आदमी पैसा थोड़ी बोल जा, चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी छोड़ता। उन्हें क्या है कि वो सिलेंडर लेके डांस करती थी सड़कों पर 2013 में, वो तो सरकार का विरोध, 400 का सिलेंडर, अब कितने का, अब डांस कौन करेगा, अब कौन करेगा, इमरान खान को बुलाऊं क्या, डांस अब कौन करेगा, याद नहीं आ रही। 52 रुपए के तेल पे कहती थी प्रधानमंत्री जी, मन करता चूड़ी दे दूं, कंगन दे दे इसको, खोलने के कंगन ला काम करा, 52 से 74 कर दिया, और अगर गेट ना खोला सीढ़ी लगा के दे दे, तेरे पड़ोस में रहे, प्रधानमंत्री का एड्रेस ना पता, दे दे, इनको शर्म नहीं आती। विपक्ष में रहते हैं कुछ कहते हैं, सरकार में आगे आंखें बदल गए। ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां समर्थन देती थी, राजनाथ सिंह हमारे मंच पर आए थे 2013 में, क्या करने को आए थे, समर्थन देने आए थे, जब इनको भांग खा आए थे क्या, जब कांग्रेस कहती थी इनको भाजपा दे रहे समर्थन, कांग्रेस इनकी भाभी की पार्टी है, भाभी मतलब ये देवर वो भाभी, दोनों एक से हैं हमारे लिए, तो एक चोर एक महाचोर, परंतु दोनों में एक फर्क निकला, वो चोरी करके जनता में बात खुली, गैल फाइल ठाले हुई, छोड़ छोड़ दूसरी ले आएंगे, ये नुकरा यही चलेगी, ये चोरी भी कर रहा सिन्ना चोरी भी कर रहा, दोनों में यो अंतर है। मोदी जी गलत जगह सिंह फंस गया, इतना सा फंसा, कुल 33 दिन हुए, कटवाले भग जा, तू पूरा फंसेगा तो टूटेगा, जड़ से पपटेगा सिंह, इतना सा फंस रहा कटवा के भग जा, अपने को जान बचा के भाग, भैया गलती हो गई। चलिए संबित पात्रा जी थोड़ी सी पढ़ाई करके आए, मैंने अपनी पहली बाइट में भी बोला है, उनको तो इतना तक नहीं पता 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, उनको नहीं पता है, थोड़ी सी पढ़ाई करें समझें और अपना मैथ भी ठीक करें। भैया डॉक्टर कहने तो डॉक्टर हो जावे के, बता मैं शूटर हूँ, मैं कहने लग जाऊँ मैं खत्ती बड़ी हूँ, बताओ मैं हो जाऊंगी, बताओ हो जाऊंगी नहीं होंगी ना, कहने से क्या होता है, उनको ये नहीं पता। आप उनकी बाइट निकाल के देखिए, अगर मेरी बात झूठ है तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, उनको इतना नहीं पता 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, लाइव मैंने उनका देखा है लाइव। वो तो कह रहे हैं किसान ना समझदार है, चीजों को समझ ले रहा है, उसे घनी समझ है, उसे इतनी तो पता ना, बरसम का जो पेड़ हो है वो गेहूं तो बड़ा है या छोटा, अगर पता है संबित पात्रा को तो आए बताए, आके यहाँ बात करें।
करें बात किसी से। दूसरी बात, हमारे किसान इतने शहीद हुए, ये बाद की बात थी, राजनीति दल बाद की बात थी, देश का किसान शहीद हुआ, किसी ने दो पल के लिए मौन रखा उनके लिए, श्रद्धांजलि दी किसी नेता ने? संबित पात्रा को तब बकबक करने के सिवा कोई काम नहीं है। उनके लिए मेरी सलाह है, बोले सही बोले, देश का किसान है, बकवास ना करे, उनकी बुद्धि ठिकाने कर देगा, सेट कर देगा।